Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Sana's Quick Kitchen. I hope you all are doing great. आज हम बनाने वाले baked chicken drumsticks, जो बहुत ही crispy बनते हैं और unfried होते हैं, healthy होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो मोस्ट वेलकम और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, हमें इंस्टा पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला स्टेप है, हम इसे मैरिनेट करेंगे चिकन लेग पीस को। हमने यहाँ पे क्लीन बोल लिए है, उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 kg माने 1/2 kg चिकन लेग पीस। इसे हमने अच्छी तरह वॉश कर लिए है, क्लीन कर लिए है, वो अब हम ऐड करेंगे। चिकन लेग पीस बोल में ट्रांसफर करके हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 teaspoon, व्हाइट पेपर पाउडर 1 teaspoon, हमने दोनों को मिक्स कर लिए थे वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सॉल्ट के बाद हम ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर 1.5 teaspoon। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अपने हाथों की मदद से भी इसे आप मिक्स कर सकते हैं, अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा इसे। देखिए हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब हम इसे मैरिनेट करेंगे 3 hours के लिए रेफ्रिजरेटर में कवर करके। 3 hours later, देखिए 3 hours हो चुके हैं, हमने इसे रेफ्रिजरेटर से निकाल दिए, इसे साइड में रख दीजिए। हमने यहाँ पे क्लीन बोल लिए, उसमें ऐड कर लिए है दही 250 grams, हमने दही को अच्छी से बीट कर लिए है। उसके बाद हम ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स 2 tablespoons। उसके बाद हम ऐड करेंगे मस्टर्ड सॉस 1.5 tablespoon। मस्टर्ड सॉस के बाद हम ऐड करेंगे चॉप्ड लहसुन 1.5 tablespoon और फिर हम ऐड करेंगे लेमन जूस, हमने 1/2 lemon यूज़ किया है यहाँ पे। लेमन जूस ऐड करके हम इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। देखिए अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिए है ब्रेड क्रम्स। अब हम मैरिनेटेड चिकन लेग पीस को पहले डिप करेंगे योगर्ट के बैटर में। अच्छी तरह इसे डिप कीजिएगा योगर्ट के बैटर में। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स से इसे अच्छी तरह कोट करेंगे। अच्छी तरह इसे कोट करके हम ग्रीस्ड बेकिंग डिश में प्लेस करेंगे। जो भी आप बेकिंग डिश यूज करेंगे उससे ग्रीस कीजिएगा ऑलिव ऑयल से। इसी तरह हम सारे लेग पीस को अच्छी तरह कोट करेंगे और बेकिंग डिश में रख देंगे। देखिए हमने बेकिंग डिश में रख दिए हैं। अब हम 1/2 teaspoon बटर हर एक लेग पीस के ऊपर रखेंगे। अब हम इसे बेक करेंगे। पहले हमने ओवन को 10 मिनट रख दिए थे प्री हीट करने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हम इसे 30 मिनट बेक करने रखेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आफ्टर 20 मिनट्स आप ओवन से निकाल दीजिएगा। देखिए क्रिस्पी बेक्ड चिकन ड्रमस्टिक्स आर रेडी टू ईट। लेट्स सर्व। हमने यहाँ पे गार्निश कर लिए है चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स के साथ। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने थे, आप सब इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऐसी रेसिपीज के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। इसे आप सेजवान चटनी, टोमेटो केचप, मस्टर्ड सॉस, हरी चटनी किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है। क्रिस्पी एंड यम्मी। Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe to my channel Sana's Quick Kitchen. Till then, shukran, assalamu alaikum.